जप जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सुप्रभात। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है कि हम भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी क्रम में विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगी कि वो कुलगीत प्रस्तुत करें। कर्मचारीगण तथा छात्र एवं छात्राएं, सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और पूरा वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ। उसके पहले भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। आज का दिन हमें याद दिलाता है उस बलिदानियों का। आज का दिन याद दिलाता है उन महापुरुषों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए फांसी के फंदे पर झूल गए और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, भारत से दूर करने के लिए, भारत से भगाने के लिए और भारत माँ को आज़ादी दिलाने के लिए सब कुछ उन्होंने अर्पण कर दिया। यह गुजरात की भूमि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि है, बापू की भूमि है, जिनके नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का महान आंदोलन चला, जिसके फलस्वरूप हमारा देश आज़ाद हुआ। यह धरती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है, जिन्होंने 562 रियासतों को उन्होंने एकीकृत करके एक भारत श्रेष्ठ भारत तो भारत महान की संकल्पना जो उन्होंने दी, आज वो महान संकल्पना चरितार्थ हो रही है। आज हम याद करते हैं एक से एक बलिदानियों का, हम याद करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम याद करते हैं लाला लाजपत राय, हम याद करते हैं सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु,
तमाम ऐसे क्रांतिकारियों का हम याद करते हैं। इसी गुजरात की धरती से पैदा हुए झावेरचंद मेघाड़ी जैसे साहित्यकारों का कि जिन्होंने अपने गीत के माध्यम से उस समय हमारे सेनानियों के खूनों में उबाल भर दी। हम याद करते हैं कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जो इसी धरती के पुत्र थे, जो इन्होंने राष्ट्रपिता गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए हमारे स्वतंत्रता का आंदोलन दिलाया और हमें आज़ादी दिलवाई। स्वतंत्रता संग्राम की जो हम पहले आंदोलन की बात करें, सन 1857 में ही जो स्वतंत्रता संग्राम का महान बिगुल बज चुका था, उत्तर प्रदेश की बलिया की धरती से रहने वाले मंगल पांडे ने कलकत्ता में एक जो फौज थी उस फौज के अंदर में उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाया। उसके बाद वो विद्रोह का बिगुल मेरठ में बजा और इस प्रकार से 1857 में पूरे देश ने एक आंदोलन का रूप ले लिया अंग्रेजों के विरुद्ध में। और उसमें सबसे पहले अग्रणी भूमिका निभाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में लिखती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि सिंहासन ही लौटा भ्रिकुटों ने बंसी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो उन 1857 का ही समय था कि उस समय बिहार से एक से एक लोग थे और पूरे देश से बिहार से वीर कुंवर सिंह और पूरे देश के अन्य भागों से लोग लड़ करके उन्होंने एक आंदोलन का रूप दे दिया स्वतंत्रता संग्राम का। और उसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन बढ़ा आगे, उसमें एक लोग उसमें जुड़ते गए और उसी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान अपने देश के वीर बांकुड़े जिनकी उम्र महज 22 साल 23 साल और 24 साल थी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जिनको कि 1931 में लाहौर की जेल में उनको फांसी दे दी गई। जब सरदार भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, फांसी देने के पहले उनके मन के बोल थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, और जिस चोला को पहन शिवा ने माँ का बंधन खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। उस समय जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे उनके दिल में यह हसरत थी कि हम अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फांसी के फंदे तक हम झूल सकते हैं, मगर अपनी मातृभूमि को, अपनी माता को, भारत माता को हम आज़ाद करके रहेंगे। और उन्होंने जो ठान लिया उस प्रण को उन्होंने पूरा किया। सरदार भगत सिंह के नेतृत्व में उस समय अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए असेंबली पर बम फेंका गया। एक सैंडर्स नाम के एक पुलिस कमिश्नर थे, उनकी हत्या उन्होंने की उनके लोगों ने केवल दिखाने के लिए कि हम रबाकुए, हम नौजवान, किसी से अंग्रेजों से हम कम नहीं हैं। अंत में भले उनको फांसी दी गई, मगर उनके साथ में और लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह जिनको कि काकोरी कांड में, काकोरी लखनऊ से कुछ दूर पर 10-15 किलोमीटर पर जगह है जहाँ पर कि अंग्रेजों का खजाना लूटे थे हमारे रामप्रसाद बिस्मिल और उन लोगों के नेतृत्व में ठाकुर रोशन सिंह और लोग, उनको भी फांसी की सजा दी गई। जब रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सजा दी जा रही थी तो फांसी की सजा देने के पहले जब अंग्रेज उनके कमरे में गया तो देखा कि वो गाना गा रहे थे, वो रंग दे बसंती चोला का गाना गा रहे थे और भी गाना गा रहे थे, अपनी मातृभूमि के लिए गाना गा रहे थे। और उनके उनके गाने के बोल थे कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, मैं दिन चार रहूँ न रहूँ। ये इतने बड़े हमारे क्रांतिकारी थे कि वो सोचते थे कि मैं भले रहूँ या न रहूँ, मगर ये भारत माँ को एक न एक दिन आजाद होना है। और यही उनका बलिदान है कि अंत में बलिदान वो करते करते इस तरीके से तमाम आंदोलन हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चले। यहीं से गुजरात की धरती से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने खेड़ा से, बलडोरी से, कितने जगहों से उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करके एक सफल नेतृत्व था, जिसके चलते जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो उन्होंने 562 रियासतों को उन्होंने एक किया। वो एक समय था 1947 के समय कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, मगर फिर भी देश में 3 रियासतें थीं जो कि उनको भारत के अंदर आने का नाम नहीं ले रही थीं। उसमें एक जूनागढ़ था और हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर था। तो जूनागढ़ की जनता भारत के साथ थी, मगर जूनागढ़ का सुल्तान
पाकिस्तान के साथ था, तो फिर ऐसी स्थिति आई वहाँ की जनता ने विद्रोह किया और भारत की सेना गई कि वहाँ के सुल्तान को भागना पड़ा पाकिस्तान में, और वही हाल हुआ निजाम हैदराबाद का कि 3 दिन तक संघर्ष चला भारत की सेना के साथ में और निजाम हैदराबाद को फिर आत्मसमर्पण करना पड़ा। मगर तत्कालीन शासकों के द्वारा जम्मू व कश्मीर, वो उसी समय जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे करके उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बरकरार रखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मसला है। मगर आज से ठीक 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के प्रयास से धारा 370 की समाप्ति हुई, धारा 35A की समाप्ति हुई, और आज जम्मू कश्मीर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का सब विभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का विभिन्न अंग है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो इस प्रकार हमारा देश आज़ाद हुआ। आज के दिन हम तमाम क्रांतिकारी, बहुत भूले बिसरे क्रांतिकारी जिनको इतिहास के पन्नों ने गुमनाम कर दिया, जो याद नहीं किए जाते, हम याद करते हैं। आज का दिन है याद करने के लिए। हम आज के दिन याद करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी को कि अपने देश के भारत की धरती से जब 1941 में उनको चले जाना पड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक हम खून नहीं देंगे तब तक हमको आज़ादी नहीं मिलेगी, तो भारत की धरती छोड़ के 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए सिंगापुर और जर्मनी, जापान की मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 42,000 आज़ाद हिंद फौज की क्रांतिकारी सैनिकों के साथ उन्होंने भारत पर धावा बोला, विभिन्न अलग अलग जगहों से उन्होंने आक्रमण किया, और उसी दौरान उन्होंने अंडमान निकोबार के 2 द्वीपों को उन्होंने आज़ाद कर लिया, और उन्हीं का जय हिंद का नारा उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जैसे ऐसे क्रांतिकारी थे कि उनकी क्रांतिकारी सेना को देखते हुए, आज़ाद हिंद फौज की सेना को देखते हुए अंग्रेजी सरकार के यहाँ से पांव उखड़ने लगे। एक से एक हमारे यहाँ क्रांतिकारी थे। आज हम याद करते हैं परमवीर वीर सावरकर को याद करते हैं, जो कि महान राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने बीड़ा उठाया था कि केवल भारत ही नहीं बल्कि हम इंग्लैंड में जा करके और पूरा हमारा भारतीय समाज है उसको हम एक करेंगे और हम अखंड भारत का बीड़ा उठाते हैं, और उन्होंने इंडिया हाउस में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के इंडिया हाउस में, और वहाँ पर अपनी एक पुस्तक, इंग्लैंड के लोगों ने नहीं छापने दिया, जर्मन ने नहीं छापने दिया, जापानियों ने नहीं छापने दिया उस पुस्तक को, तो हॉलैंड से जाकर के उन्होंने इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको उन्होंने साबित कर दिया कि 1857 की जो क्रांति है वो महासंग्राम क्रांति है, वो महज केवल एक छोटी सी गदर नहीं थी बल्कि अंग्रेजों को यहाँ से दूर करने के लिए एक पूरे हमारे समाज का, भारतीय समाज का एक प्रयास था। तो इस प्रकार हम देखें एक से एक लोगों ने आंदोलन में भाग लिया है, और हमारा देश जिसका कि इतिहास हजारों हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से इतिहास रहा है, एक अपनी एक संस्कृति रही है अपने देश की, और उसी सांस्कृतिक हमारी विचारधारा रही है जिसके चलते हमारा देश सोने का चिड़िया था, जिसके चलते हमारा देश वैभवशाली था, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे थे, और हमारे देश में उसी समय से देखें हम मगध के साम्राज्य से देखें तो मगध का हमारा साम्राज्य था, हमारे यहाँ वैशाली का साम्राज्य था, जो कि लोकतंत्र के पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण था। और तमाम हम देखें ईसा के 300 वर्ष पहले से लेकर के लगातार आगे तक तमाम हमारे देश के ऊपर आक्रांताओं ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया, यवनों ने आक्रमण किया, तमाम फ्रांसीसियों ने किया, पुर्तगालियों ने किया, मगर फिर भी पूरे भारत को कभी गुलाम नहीं बना सके, क्योंकि पूरे भारत के अंदर एक सांस्कृतिक एकता थी, एक आध्यात्मिक एकता थी, हमारे यहाँ भौतिकता और आध्यात्मिकता का एक ऐसा समन्वय था कि पूरा हमारा भारतीय समाज एक दूसरे के साथ बंधा हुआ था, और वही यही कारण है कि भारत की संस्कृति इतने दिनों से भी अक्षुण है। इकबाल ने कहा, यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, पर भी है कुछ खास की हस्ती, मिटती नहीं हमारी, तो हमारी हस्ती इसीलिए अपने को बना करके भारत ने अपनी सांस्कृतिक एकता को बना करके रखा है, और उस सांस्कृतिक एकता को हमें आज याद करने का समय है। हमारे एक से एक राजा पहले भी ऐसे थे, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा हमारे देश में, महान सम्राट हमारे देश में पैदा हुए कि शब्द भेदी
बाल चढ़ा करके वो चंद्रप्रदाई ने उनके सामने गाना गा करके कहा था कि चार बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। तो मोहम्मद गोरी को उन्होंने उनके ऊपर आंख न रहते हुए भी शब्द भेदी बाँ चला करके उनको मार दिया। हमारे यहाँ आज हम याद करते हैं अपने वीर महाराणा प्रताप की कि हल्दी घाटी आज भी बखान कर रही है। लिखती हैं सुमद्रा कुमारी चौहान, हल्दी घाटी के शिलाखंड वो दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड राणा ताना का कर घमंड, दो स्मृतियाँ ज्वलंत वीरों का कैसा हो बसंत। राणा प्रताप ने जो अकबर की सेना 85,000 सेना थी और राणा प्रताप की महत 20,000 सेना थी और सूर्य तारे के समान नजर आने लगते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ वीर थे, इस प्रकार हमारे यहाँ राजा थे और भारत भूमि ये वीर भोगिया वसुंधरा। आज का समय है 15 अगस्त को उन लोगों को, उन वीरों को याद करने के लिए कि जिन्होंने इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। 15 अगस्त आज 1947 की तुलना में देखें तो धीरे धीरे हम शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारा देश हर स्तर पर विकास कर रहा है, शिक्षा के स्तर पर विकास कर रहा है, स्पोर्ट्स पर विकास कर रहा है। अभी हमने देखा आज से 10 दिन पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, भारत ने 7 मेडल लाया, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो हमारा देश चारों तरफ हर तरफ आगे बढ़ रहा है, महिलाओं की भी जोरदार भागीदारी हो रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, हम सभी आगे उसी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय एक अपना छोटा परिवार है और ये भी अपनी यात्रा के लगभग 12 वर्ष पूरा कर रहा है। तो आज ये अपेक्षा है हमारे सारे अध्यापक बंधुओं से, सभी अधिकारी बंधुओं से, सभी हमारे छात्र बंधुओं से, सभी कर्मचारी बंधुओं से कि हमारा परिवार एक छोटा परिवार है और इसमें आगे आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से जितनी हमारे यहाँ अपने अंदर क्षमता है, अध्यापक की क्षमता है, छात्र की क्षमता है, अधिकारी की क्षमता है, कर्मचारी की क्षमता है, हम अपना 100% अपनी क्षमता के साथ कार्य करें और कार्य करते हुए उच्च क्वालिटी के हम शोध और अध्यापन करते हुए एक अच्छी कार्य संस्कृति को अपनाते हुए हम नित नई ऊंचाई पर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय को ले जाएं, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का ध्वज फहरता रहे। अभी पिछले महीने हमारे अपने नए कैंपस के लिए जो वडोदरा में है वहाँ पर हम लोगों ने पौधारोपण का कार्यक्रम किया और जब से पिछले 2 वर्षों से हमारा बराबर प्रयास रहा है कि हमारे नए कैंपस के डेवलपमेंट के लिए, नए कैंपस में बिल्डिंग के बनने के लिए जितना यथाशीघ्र हो सके हम कार्य करें। हम अपने महामहिम राष्ट्रपति जी के भी आभारी हैं कि पिछले कन्वोकेशन के दौरान जो उन्होंने आया था तो उन्होंने सैंक्शन किया, घोषणा की उन्होंने कि विश्वविद्यालय के लिए पैसे की घोषणा की गई है नए विश्वविद्यालय के भवन के बनाने के लिए। और आप सब जानते ही हैं, जान करके खुशी होगी कि हम लोगों के उस दिशा में हम लोगों ने नए आर्किटेक्ट का अपॉइंटमेंट कर दिया है, ऑलरेडी हम लोगों का मास्टर प्लान तैयार हो गया है, स्ट्रक्चरल डिजाइन भी तैयार हो रही है और आगे आने वाले 3-4 महीने के अंतर्गत ही वो शुभ दिन आएगा कि हमारे विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा। और इस मौके पर, आज के मौके पर, खुशी के मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम गुजरात सरकार के आभारी हैं और विशेष करके गुजरात के उप मुख्यमंत्री माननीय नितिन भाई पटेल जी के आभारी हैं कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने विश्वविद्यालय में वहाँ सड़क बनवाने के लिए 10 करोड़ रुपये की उन्होंने स्वीकृति की है। आप जोरदार तालियों के साथ उनका आभार व्यक्त करें। तो आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम आप सभी के प्रयास से, हम सबका प्रयास रहेगा कि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना ध्वज लहराए और हम हर विषय में हम ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इसी के साथ पुनः आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभूमि जीवन भर निस दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर निस दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए।
सबसे ऊंचा मस्तक तेरा, चरणों में सागर का घेरा, दसों दिशाएं सांझ सवेरे तुझको शीश झुकाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। तूने दिया खेल का बचपन, फिर अथा बल साली यौवन, शत शत जीवन तेरी सेवा का हम अवसर पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। भौतिकता में जब जग मोहित, तू थी दर्शन से आच्छादित, समय समय पर इस मुखों से तूने धर्म उपजाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से यह भारत स्वतंत्र हुआ। अमर शनौर बांग्ला, बांग्ला की धरती रे, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस एवं रविंद्रनाथ टैगोर जैसे शहीद और प्रणेताओं से मां भारती की गोद को सुशोभित किया है। यहाँ की कला और संस्कृति अद्भुत एवं अप्रतिम है, जिसकी जितने भी प्रशंसा की जाए कम है। तो आइए वहाँ की एक झांकी का अवलोकन करें रविंद्रनाथ टैगोर जी के गीत ओ अमर देशेर मोती, शिल्पी दे जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के विद्यार्थी हैं के द्वारा। अमर देशेर मोती तुमार पारे ठेकाय माथा, ओ अमर देशेर माटी तुमार पारे ठेकाय माथा, तुमाते विश्वमयी, तुमाते विश्वमयी रचुल पाता, आमार देशेर माटी तुमार पारे ठेकाय माथा, तुमी मिशे छो मोर देहेर शोने, तुमी मिले छो मोर प्राणे मोने, मिशे छो मोर देहेर शोने, তোমার পারে ঠেকায় মাথা, ও মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে, ও মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে, তোমার পরে আমার দুঃখে সুখে, তুমি অন্য মুখে তুলে,
দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা। धन्यवाद शिल्पी। गुजरात की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ भक्ति, शक्ति, देश प्रेम की गाथाओं को निरंतर कविता एवं गीत के माध्यम से समझाया जाता आ रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख एवं प्रतिष्ठित कवि झवेरचंद मेघानी द्वारा एक कविता, जिसको गुजराती भाषा के केंद्र की शोधार्थी दर्शील जी और उनकी टीम कसुम्बी नो रंगीत के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को नमस्कार। आज मैं जिस काव्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो गुजरात के ख्यातनाम कवि झवेरचंद मेघाणी जी की रचना है। झवेरचंद मेघाणी को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय शायर कहा था, क्योंकि तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम की भावना, देश प्रेम और लोगों की संवेदना उनकी कविता में झलकती थी। उन्होंने न सिर्फ ऐसे गीत लिखे, बल्कि उनके काव्य संग्रह सिंदूरों को अंग्रेज सरकार ने बेड़ किया और मेघाणी को जेल भी जाना पड़ा। तो ऐसे महान कवि की रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, कसुम बिनो रंग। हो जननी नाहैया मां पोढ़ंता पोढ़ंता पिधोरे कसुम्बी नोरंग। हो राज मने लायो कसुम्बी नोरंग, हो राज मने लायो कसुम्बी नोरंग। ओ जननी ना हैया मा पोढ़ंता पोढ़ंता पीदो कसुम्बी नो रंग। ओ राज पीदो कसुम्बी नो रंग। माना घोड़ा दावण केरी दाराए दाराए भाव्यो कसुम्बी नो रंग। ओ राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग, राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग। हो बेनी ना कंठ नी तरता हाल रिड़ा मा घोड़ो कसुम्बी नो रंग। हो राज घोड़ो कसुम्बी नो रंग। हुए विभीषण रात्रि के रापाड़ो निताड़ो ए छोड़ो कसुम्बी नो रंग। राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग, हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग। हो दुनिया ना वीरो ना लीला बलिदानो मां बबक्यो कसुम्बी नो रंग। हो राज बबक्यो कसुम्बी नो रंग। हुए वसागर ने पारे स्वाधीनता कबरो मैं क्यों कसुम्बी नो रंग। हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग, हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग। हो भगतो ना कंगुर थी टपके लो मस्ती पर जाग्यो कसुम्बी नो रंग। ओ राज चाख्यो कसुम्बी नो रंग। हुए विवाली दिलदारा न पगनी मेहंदी पर थी झूम्यो कसुम्बी नो रंग। ओ राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग, ओ राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग। ओ नवली दुनिया के सपनों मा कवियो गायो कसुम्बी नो रंग। हो राज गायो कसुम्बो रे डनहार पायो कसुम्बी नो रंग। हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग, हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग। हो पीड़ित निया सूड़ा तारे हावा तारे रेलो कसुम्बी नो रंग। ओ राज रेलो कसुम्बी नो
सेवा शहीदों ना दग दग तानी श्वास निश्वास सड़ग्यो कसूमी नूरंग राज मने लागो कसूमी नूरंग राज मने लागो कसूमी नूरंग हो धरती ना भूख्या कंगालों ने गाले छलकायो कसूमी नूरंग ओ चलकायो कसुंभी नोरंग ओ एवा बिस्मिल बेटा ओ नी माता ने बाले मलकायो कसुंभी नोरंग ओ राज मने लाग्यो कसुंभी नोरंग ओ राज मने लाग्यो कसुंभी नोरंग ओ घोड़ी घोड़ी प्याला भरिया रंगीला पीजो कसुंभी नोरंग ओ राज पीजो कसुंभी नोरंग ओ एवा दो रंगा देखी ने दरियाट की लाहु ले जो कसुंभी नोरंग ओ राज मने लाग्यो कसुंभी नोरंग ओ राज मने लाग्यो कसुंभी नोरंग ओ राज मने लाग्यो धन्यवाद दर्शील जी एवं शिक्षकगण, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। देशभक्ति की क्रमबद्धता यही नहीं थम रही, इसे यूं ही इसी तरह अग्रसर करते हुए मैं आमंत्रित करती हूं नैनो साइंस केंद्र की शोधार्थी दिव्या जी को कि वो आए और अपनी देशभक्ति की भावना को यह देश में यह देश मेरा धरा मेरी गगन मेरा इसके लिए बलिदान प्रेशर नहीं प्रतीक कर मेरा प्रतीक कर मेरा इस भूमि पर मस्तक उठाए चल रहा हूँ मैं चल रहा हूँ मैं इस शश श्यामल भूमि को शत शत नमन मेरा शत शत नमन मेरा यह देश मेरा धरा मेरी गगन मेरा इसके लिए बलिदान प्रतीक कर मेरा प्रतीक कर मेरा हर सांस में मेरी सुरभि किसने बसा दी है किसने बसा दी है इस धूलि को है भेंट तन मन और धन मेरा और धन मेरा यह देश मेरा धरा मेरी गगन मेरा इसके लिए बलिदान प्रतीक कण मेरा प्रतीक कण मेरा मैं जागता जिस पर उषा की चूम कर
शयन मीरा, अंतिम शयन मीरा, यह देश मीरा, धरा मेरी, गगन मेरा। धन्यवाद दिव्या जी, हवाओं को भी यह बात बताकर रखना, चिरागों को रोशनी के लिए जला के रखना, उन शहीदों ने अपना खून बहाकर इस देश की इन्होंने हिफाजत की, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में हमेशा बसाए रखना। देश प्रेम की भावनाएं कैसी हों, सरहद पर तैनात हमारे देश के जवानों ने बलिदान देते हुए अपनी मातृभूमि को कैसे याद किया, इसे एक मधुर एवं सुंदर गीत संदेश से आते हैं के द्वारा समझा जा सकता है, जिसे लेकर उपस्थित हैं पुनः शिल्पी। है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरे माँ को मेरा पयाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, शिल्पी। इतने भावुक गीत सुनने के बाद हम कहीं ना कहीं सरहद पर लड़ते हुए देश प्रेमी जवानों की ओर मनमोहित तो हो ही चुके हैं। एही माती रे मोरो माते प्रसिद्ध आसामी समुदाय गीत कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने सुना ही होगा। आसाम की धरती ने गोपीनाथ जी, कनक लता बारुआ, कुशल कोनवार एवं हेमा भैराली जैसे शहीदों से माँ भारती की गोद को सुशोभित किया है। ठीक उसी प्रकार वही की कला का एक लघु रूप लेकर प्रस्तुत हैं स्कूल ऑफ नैनो साइंस के शोधार्थी आरिफ अपने गीत ओम और अपना दे के साथ। ओम और अपना दे, ओम और सिकुनी दे, এনে খন ফুলা, এনে খন ফুফলা,
হেনে খন মোর মোর দে ও মোর ফুরিয়া মা ও মোর ফুদি মা পৃথিবীর কো তু বিসারি জনম তু নুপুয়া করিলে ও মুরা পুনার দে ও মুর্শিকুনি দে এনে খন ফুলা এনে খন ফুফলা এনে খন মর মর দে ও মুরু পজাথাই ও মুরো খম সাইলো এবার মুখনি তুমার হেপা মুর পল